नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बिहार के इन जिलों में लग रहा रोजगार मेला। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की पूरी जानकारी। आज से शुरू होगा बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र। अपने अभिनय के बारे में पंकज त्रिपाठी ने बताई कुछ बातें। विश्व कप 2023 में भारत का साउथ अफ्रीका पर शानदार जीत। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के पदों पर निकली भर्ती। देश की प्रतिष्ठित सिक्योरिटी एजेंसी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ जनरल के कुल 677 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वह लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिकुलेशन 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवा पाए राशि। बिहार सरकार की ओर से राज्य के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही। इन योजनाओं में से एक योजना बिहार सरकार की ओर से बिहार के उन युवाओं के लिए भी चलाई जा रही है जो 12वीं पास करने के बाद बेरोजगार बैठे हैं। बता दें कि ऐसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में सहायता देने के लिए बिहार सरकार की ओर से 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना है, जिसके लिए वही पात्र हैं जो कम से कम 10वीं पास हो और जिन्होंने किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या शिक्षा ऋण का सहायता न लिया हो। इसके साथ ही आवेदक के परिवार का सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो और आवेदक की उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के बीच हो। बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट, बैंक डिटेल और 2 पासपोर्ट साइज फोटो है। वहीं जो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें https://www.7-yuva-up-mission.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रख्यात भारतीय सहनाई वादक है जिन्होंने सहनाई को भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी एक विशिष्ट पहचान दिलाने में अपना जीवन समर्पित किया। ये वो शख्स हैं जिन्होंने संगीत के इस पावन उपकरण सहनाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। बिस्मिल्लाह खां जी को संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। जब उस्ताद 14 वर्ष के थे तब उन्होंने पहली बार इलाहाबाद के संगीत परिषद में सहनाई बजाने का कार्यक्रम किया था। उस्ताद ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में दिल्ली के इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। 21 अगस्त साल 2006 में उनका देहांत हो गया। बिस्मिल्लाह खां के सम्मान में उनके इंतकाल के दौरान शहनाई भी दफन की गई थी। वर्ष 1956 में बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1961 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 1968 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1980 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें तानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बिहार में 100 चेक पोस्ट का होगा निर्माण। राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिहार सरकार की परिवहन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एक तरफ जहां बिहार में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होने वाले रास्ते NH2, 28, 30, 31 और 57 पर वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इंटरसेप्टर व्हीकल को गश्ती के लिए लगाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब राज्य में 100 चेक पोस्ट का निर्माण किया जाने वाला है। बता दें कि इन चेक पोस्ट का निर्माण राज्य की सभी सड़कों पर जरूरत के अनुसार किया जाएगा। वहीं मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बिहार की एनएच पर करीब 25 ब्लैक स्पॉट पाए गए हैं, जिसे ठीक करने का काम एनएच के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा राज्य के अन्य स्थानों पर भी पाए जाने वाले ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का काम किया जा रहा है। बता दें कि शहरों या घनी आबादी से गुजरने वाले वाहनों के विकल्प के तौर पर बाईपास बनाने का भी योजना पर काम चल रही है। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की पूरी जानकारी।
बिहार सरकार की सहकारिता विभाग के द्वारा आईपीआरडी पर एक पोस्ट शेयर कर खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की पूरी जानकारी दी गई है, जिसके तहत कृषि विभाग के पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर निबंधन भूमि संबंधी विवरण अपलोड किया जाना है। वहीं निबंधन के बाद किसान पंचायत के पैक्स प्रखंड के व्यापार मंडल में धान बिक्री कर सकते हैं। साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपए प्रति क्विंटल है, तो वहीं ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,203 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान PFMS के माध्यम से उनके खातों में किया जाएगा। वहीं टैक्स व्यापार मंडल द्वारा आधार सत्यापन करने के बाद ही किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाएगी और किसानों को प्राप्त रसीद उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर क्रय धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की संभावित तिथि आदि अंकित होगी, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से किसानों को दी जाएगी। बता दें कि इसमें सहकारिता पदाधिकारी की भूमिका है कि वह किसानों को धान अधिप्राप्ति हेतु मुख्यालय में रहते हुए प्रोत्साहन करे। धान की आपात बिक्री पर नियंत्रण लगे किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन, धान बिक्री एवं भुगतान में मदद करे और क्रय केंद्रों का निरीक्षण करे। इससे जुड़ी अधिक जानकारी या समाधान के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर संपर्क किया जा सकता है। आज से बिहार के इन जिलों में लग रहा रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बता दें कि 6 से 10 नवंबर तक शेखपुरा, जमुई और सीतामढ़ी में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होकर युवा निजी क्षेत्र में बेहतरीन रोजगार पा सकते हैं। हालांकि इसमें शामिल होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को NCS की वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर अपना आवेदन करवाना अनिवार्य होगा। बता दें कि आवेदन करवाने की सुविधा आवेदकों को नियोजन स्थल पर भी मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 और 10 नवंबर को शेखपुरा जिला निबंधन सब परामर्श केंद्र में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं 9 नवंबर को सीतामढ़ी जिला नियोजनालय में भी एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं 6 नवंबर को जमुई के JS फाइनेंशियल एवं NIIT फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत श्री कृष्ण महाविद्यालय लोहंडा के कैंपस में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस रोजगार मेला में भाग ले रहे हैं, वह अपने साथ अपना बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और जिला नियोजनालय के निबंधन की फोटो कॉपी आदि के साथ सही समय पर नियोजन स्थल पर पहुँच जाएं। इंडिया में 34वें राष्ट्रीय खेल को समारोह का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। बीते दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा पश्चिम चंपारण के बेतिया महाराज स्टेडियम में विद्या भारती अखिल भारतीय सक्षम संस्थान के तत्वावधान में 34वां राष्ट्रीय खेलकूद एथलेट समारोह 2023 का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में भारत से 850 खिलाड़ी भैया बहन, 150 संरक्षक और 120 निर्णायक भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम 8 नवंबर तक चलने वाला है, जिसमें 6 नवंबर यानी कि आज शाम को संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। बता दें कि बीते दिन कार्यक्रम में राज्यपाल के द्वारा भैया बहनों को संबोधित करते हुए कहा गया कि विद्या भारती के खेलकूद कार्यक्रम में एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है, वह है अनुशासन। उन्होंने कहा कि जहां अनुशासन रहेगा, वहां विद्या में बढ़ोतरी होगी और बच्चे सुयोजित होकर आगे बढ़ेंगे। आज खेल में भी करियर बनाकर राज्य और देश का नाम रोशन कर आगे बढ़ा जा सकता है। बच्चों में खेल को लेकर रुचि बढ़ाने की जरूरत है। आज से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। आज यानी कि 6 नवंबर से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। बता दें कि यह सत्र आगामी 10 नवंबर तक चलने वाली है। ऐसे में इस दौरान विपक्षी दल के द्वारा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का काम किया जाएगा, जिसमें से बैठक के पहले दिन यानी कि आज 6 नवंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र के दूसरे और तीसरे दिन 7 और 8 नवंबर को विधानसभा में राजकीय विधेयक पेश होगा। सत्र के चौथे दिन यानी कि 9 नवंबर को 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद, मतदान और इससे संबंधित विनियोग विधेयक पास किया जाएगा और फिर सत्र के आखिरी दिन यानी कि 10 नवंबर को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पूरे किए जाएंगे। मालूम हो कि जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद का यह शीतकालीन सत्र काफी अहम माना जा रहा है। ट्रेन में सिर्फ एक टिकट पर 56 दिन तक कर सकते हैं सफर। अगर आप रेलवे से सफर करते हैं, तो कुछ नियमों को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं सर्कुलर जर्नी टिकट के बारे में, जिसकी मदद से आप दूर दूर तक कई दिनों तक का सफर कर सकते हैं। इस टिकट के माध्यम से 8 अलग अलग स्टेशनों से टिकट लिया जा सकता है, कई स्टेशन से चढ़ा जा सकता है और अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। मालूम हो कि यह टिकट आप सीधे काउंटर से नहीं खरीद सकते, बल्कि इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। साथ ही अपने ट्रैवल रूट की पूरी जानकारी भी देनी होगी। यह टिकट 56 दिन की होती है और इस टिकट को बुक करने के दौरान यात्रियों को इस बात का ख्याल रखना होता है कि जहां से आपकी यात्रा शुरू हो रही है, वहीं पर आपकी यात्रा खत्म भी होनी चाहिए। इस टिकट की मदद से यात्रियों को बार बार स्टेशनों पर उतरकर टिकट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ कई गर्म पानी के झरने हैं जो कि लगभग एक ही तापमान पूरे वर्ष के दौरान बनाए रखते हैं। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर गहरे खड़गपुर जंगल के अंदर तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरे प्राकृतिक झरने के साथ यह दर्शनीय स्थल है। महाभारत के अनुसार पांडवों में से एक भीम ने यहाँ एक बांध का निर्माण किया था और इसलिए इसे भीम बांध कहा जाता है और गर्म पानी के स्रोत के लिए जाना जाता है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भीम बांध गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे और संथाल परगना के पश्चिम में स्थित है। यह चारों ओर से घने गैर वानिकी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। घाटी के भागों में और तलहटी में कई गर्म झरने हैं जिनमें से सबसे अच्छे भीम बांध सीताकुंड और ऋषिकुंड है। सभी गर्म झरने पूरे वर्ष लगभग समान तापमान बनाए रखते हैं। उनमें से भीम बांध स्प्रिंग्स में सबसे गर्म तापमान और डिस्चार्ज है और भूतापीय ऊर्जा क्षमता की खोज के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है। अपने अभिनय के बारे में पंकज त्रिपाठी ने बताई कुछ बातें। बिहार के लाल और बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने अभिनय के बारे में कई बार बातें करते हुए नजर आ चुके हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक और खुलासा किया है कि वह लंबे समय तक शूटिंग नहीं कर सकते, उन्हें शूटिंग के बीच आराम चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि वह एक्टिंग करते हुए शॉर्ट्स के बीच में सो जाते हैं और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता। उन्होंने कहा कि वह देर रात तक शूटिंग नहीं करते क्योंकि उन्हें 7 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ऐसे में अगर उनसे रात 2 बजे से ज्यादा काम करवाया जाता है तो वह शॉर्ट चालू रहने के दौरान सोने के तरीके ढूंढ लेते हैं। ज्ञान भवन व बापू सभागार में बुकिंग के नाम पर हुई ठगी। बिहार में इन दिनों साइबर अपराध से जुड़े घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि पटना के ज्ञान भवन व बापू सभागार में बुकिंग के नाम पर ठगों के द्वारा लोगों को अपना शिकार बनाया गया है। दरअसल साइबर अपराधी के द्वारा बापू सभागार और ज्ञान भवन की बुकिंग के लिए गूगल पर फेक साइट बनाई गई है और साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक व जस्ट डायल पर भी फर्जी अकाउंट को संचालित किया जा रहा है, जिसमें कि लोग इन फर्जी साइट के कारण ठगी के शिकार हो रहे हैं। वहीं अब इससे जुड़े कई मामले सामने आने के बाद भवन निर्माण विभाग अवर प्रमंडल सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर की सहायक हर्षिता सिंह के द्वारा साइबर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और पुलिस को बताया गया है कि कुछ माह से ज्ञान भवन व बापू सभागार की 2 फेक बुकिंग के मामले सामने आए हैं। लोगों ने जिस साइट का प्रयोग किया था वह भवन निर्माण विभाग की ऑफिशियल साइट नहीं थी। सहायक अभियंता ने इस मामले पर पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बता दें कि साइबर बदमाशों के द्वारा बापू सभागार को बुकिंग करने के नाम पर गया के खीजर सराय के सिल्वर निवासी व शिक्षक प्रियांशु प्रभात से 2 लाख रुपए की ठगी कर ली गई थी। वहीं राजीव नगर निवासी नूतन श्रीवास्तव के खाते से 15,000 रुपए की निकासी की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिहार कृषि विभाग में होने वाली है बहाली। अगर आप बिहार कृषि विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीते दिन बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कृषि विभाग की तरफ से ब्लॉक कृषि पदाधिकारी के 800 पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है, जिसकी प्रक्रिया दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई एजेंसी पसंद है तो वह बताएं, उससे परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी जिस पर उन्हें भरोसा हो। हमें बीपीएससी पर भरोसा है, इसलिए हम उसी से परीक्षा करवाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में जो एग्रीकल्चर के छात्र पढ़कर निकले हैं उन्हें नौकरी के साथ साथ रोजगार भी मुहैया करवाएं। दिवाली के बाद गिरेगा पारा। पछुआ के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट आने लगी है। ऐसे में सुबह शाम ठंड बढ़ सकती है। पिछले 2-3 दिन पूर्वा प्रवाहित रहने और बादलों की आवाजाही से तापमान में पटना सहित राज्य भर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालांकि दिवाली के बाद ही पारा में उल्लेखनीय गिरावट के आसार है। मौसम विदों का कहना है कि 7 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद अगले 4-5 दिनों तक विशेष मौसमी चिन्हित सिस्टम दिखाई नहीं दे रहे, जिससे तापमान में कमी आ सकेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिवाली के बाद ही तापमान में विशेष कमी आएगी। इससे पहले ही तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अब घर बैठे मोबाइल फोन से बनाए आयुष्मान कार्ड। अगर आप भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आप अपने ही मोबाइल पर आयुष्मान ऐप को डाउनलोड कर इस ऐप से अपना कार्ड बनवा सकते हैं। मालूम हो कि अभी तक कार्ड जन सेवा केंद्र एवं पंचायत सचिवालयों व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड को लाभार्थी खुद अपने मोबाइल फोन पर आयुष्मान ऐप के जरिए भी बना सकते हैं। इसकी जानकारी SDM देवेंद्र कुमार पांडे के द्वारा दी गई है। वहीं अब आयुष्मान कार्ड का लाभ 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को भी मिलेगा। मालूम हो कि योजना के तहत गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद ली जा सकती है। पहले इस कार्ड का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं गरीबी रेखा वाले लोगों को ही मिलता था, लेकिन अब सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना चाह रही है। यही वजह है कि अब इस योजना में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है।
बिहार में होने वाले 17वीं राष्ट्रीय फ्लोर बॉल चैंपियनशिप के लिए 120 खिलाड़ियों का हुआ चयन। बिहार में आयोजित होने वाले 17वीं राष्ट्रीय फ्लोर बॉल चैंपियनशिप के लिए सोनपुर में आयोजित किए गए कैंप ट्रायल में राज्य के 38 जिलों से 120 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिन्हें अब सोनपुर में खास तौर से ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा। बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में फ्लोर बॉल का इतना बड़ा टूर्नामेंट 23 साल के बाद होने वाला है, जिसमें 17 से 20 राज्यों की टीमें तो भाग लेंगी ही और साथ ही विदेशी टीमों के आने की भी संभावना है। बताया गया है कि कैंप के आधार पर टीम सिलेक्शन कर सब जूनियर, जूनियर और सीनियर टीम का गठन किया जाएगा और यह सभी टीम बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी। भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से सीमा पार कर रहा जापानी नागरिक धराया। बीते दिन 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्य क्षेत्र भारत नेपाल सीमा चौकी कमला के जवानों के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक लोकेंद्र कुमार समवाय प्रभारी कमला के नेतृत्व में विशेष गश्ती दल के द्वारा भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 271 से लगभग 1 किलोमीटर दूर भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से सीमा पार करने के दौरान एक जापानी नागरिक को पकड़ा गया है। बता दें कि यह नागरिक नेपाली रेलवे स्टेशन जयनगर से जनकपुर जाने की कोशिश कर रहा था। इस बारे में निरीक्षक लोकेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया है कि गिरफ्तार विदेशी नागरिक से गहन पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई हेतु जीआरपी जयनगर को सुपुर्द कर दिया गया है। जापानी नागरिक के पास से भारत का बिजनेस वीजा बरामद हुआ है, वहीं इसके पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इसके पास से मिले पासपोर्ट, आधार कार्ड, लैपटॉप, कैमरा, बैटरी बैकअप, फर्जी पैन कार्ड और मास्टर कार्ड आदि को जब्त कर लिया गया है। वहीं सबके अलावा जापानी नागरिक के पास से 71 अमेरिकी डॉलर, 60 यूरो, 40 भारतीय रुपए और 4 सिम कार्ड सहित अन्य सामान मिले हैं। मुजफ्फरपुर में अमित शाह ने की बिहार को मुक्त करने की प्रार्थना। बीते दिन मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की और कहा कि आने वाले समय में बिहार जंगल राज और पलटू राम से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर की जनसभा में उपना यह सैलाब बिहार से जंगल राज को हटाने के लिए तैयार है। इस बार 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। उन्होंने कहा कि इस बार आप सभी से सबसे बड़ी विनती है कि 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है। आपने जब जब आशीर्वाद दिया, पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में G20 हुआ, जिसमें दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार करके मोदी जी को सम्मान देने का काम किया। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है, जबकि मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। राजद और जेडीयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थी। कहा था कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेगी, लेकिन हमने लालू जी को कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि एक कंकर भी कश्मीर में चलाए। विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार सत्ता का सुख भोगने के लिए लालू की गोद में जा बैठे हैं। उन्होंने जनता से पूछते हुए कहा कि 3G घोटाला करने वाला नेता आपको चाहिए या 5G देने वाले मोदी जी चाहिए। ललन सिंह ने बीजेपी को लेकर की भविष्यवाणी। एक तरफ जहां बीते दिन अमित शाह के द्वारा मुजफ्फरपुर में हुई रैली में नीतीश सरकार पर कई आरोप लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा उन्हें आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में कमजोर है, इसकी वजह से नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म निभाते हुए उनको अपने कंधे पर उठाकर साथ चला, लेकिन भाजपा ने हमेशा नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे 6 विधायक को तोड़कर बड़गलाकर अपनी पार्टी में शामिल कर नीतीश कुमार को धोखा देने का काम बीजेपी ने किया। जेडीयू और हमारे नेता नीतीश कुमार पर लालू यादव या किसी का भी कोई दबाव नहीं है। आने वाले समय बताएगा कि कौन पलटू राम है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री बिहार दौरे पर आए, उनका जितना मन करे उतनी बार बिहार में आए, लेकिन आप जो बोलते हैं वह सही नहीं बोलते हैं। आप अगर हृदय से सच बोलेंगे तो लोग उसको सुनेंगे और मानेंगे। भाजपा के लोग बिहार सरकार में उस समय शामिल थे जब जाति गणना पर चर्चा हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ही इस जाति आधारित गणना को रोकने के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिए थे। अमित शाह ने मंच से यह घोषणा कर दी कि जाति गणना हुई है और उसकी रिपोर्ट गलत है, तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि हम दोबारा जाति गणना करवाएंगे और इस रिपोर्ट को गलत साबित करेंगे। यह लोग आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में शून्य पर आउट हो जाएंगे। सीएम नीतीश के करीबी नेता ने बताया इंडिया गठबंधन में जल्द होगा बड़ा निर्णय। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया में कांग्रेस के इनएक्टिव दिखाई देने को लेकर बात कही गई है, तब से भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है। इसी कड़ी में जब सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खड़गे साहब से बात तो हुई है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी इसका मतलब सही से नहीं निकाला गया है। उनका कहना था कि जब समय नजदीक है ऐसे में इंडिया को पहले से अधिक इफेक्टिवली आना चाहिए। हालांकि खड़गे साहब से जो बात हुई है तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा, जल्द ही
बड़ा निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी अपने विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्त है, इसके बाद बातचीत होगी तो कुछ न कुछ आगे जरूर बात निकलेगी। वहीं अशोक चौधरी के द्वारा सीएम नीतीश कुमार के सुबह सुबह भ्रमण को लेकर कहा गया कि अगर वे सुबह में मिलने जाते हैं तो यह अच्छी बात है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसलिए इसका कोई भी गलत मतलब निकाला जाना उचित नहीं है। बिहार के भूमिहारों से तेजस्वी यादव ने की अपील। बीते दिन राजद द्वारा आयोजित बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के भूमिहारों से खास अपील करते हुए कहा गया कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। बिहार विधान परिषद के चुनाव में हम लोगों ने ठीक ठाक हिसाब से टिकट दिया और उसी हिसाब से अगले चुनाव में भी हम आप लोगों को ठीक ठाक टिकट देंगे, आप चिंता न करें। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल भूमिहारों से कहा कि हम कहेंगे कि हमारी बातों को समझिए और आपका दरवाजा हमारे लिए खुला रहना चाहिए, आपको कुछ लोग ठगते रहे हैं, आप लोग उनके बंधुआ मजदूर बनकर मत रहिए। जिन्होंने नौकरी के नाम पर वोट दिया बिहार में, उन लोगों को नौकरी मिल रही है, वहीं जिन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया उन्हें बेरोजगारी मिल रही है, बुलडोजर मिल रहा है। अब हमें यह सोचना होगा कि जब रोजगार मिलेगा तब महंगाई कम होगी, तब तो घर चलाना आसान होता है, लेकिन भाजपा के लोग यह नहीं करते। चाहे 15 लाख रुपए देने की बात हो या फिर 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, भाजपा ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 और लाखों रोजगार दिया जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी है जो कुछ नहीं करते, वह मिलावटी और बनावटी हैं। पीएम मोदी झूठे बोलने की फैक्ट्री हैं, वह झूठ बोलने के होलसेलर हैं और झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर होने के साथ ही झूठ बोलने के रिटेलर भी हैं। विश्व कप 2023 में भारत का साउथ अफ्रीका पर शानदार जीत। बीते दिन विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 243 रन से शानदार जीत हासिल की और इसी के साथ भारत ने विश्व कप 2023 में खेले गए अपने 8वें मुकाबले में भी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। बता दें कि बीते दिन हुए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 327 रन का लक्ष्य दिया। इस दौरान विराट कोहली के द्वारा 121 गेंद का सामना करते हुए 101 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली गई और अपने वनडे करियर का 49वां शतक जड़ा गया। वहीं श्रेयस अय्यर 77 रन बनाकर पवेलियन लौटे, इसके बाद साउथ अफ्रीका के द्वारा लक्ष्य का पीछा करते हुए 27.1 ओवर में 83 रन ही बनाया जा सका और सभी ऑल आउट हो गए। इस दौरान रविंद्र जडेजा के द्वारा अपने नाम 5 विकेट किए गए और साथ ही इस मैच में शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं 1 विकेट सिराज को मिले। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। ब्रिटिश फौज ने 1763 में मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया। गांधी जी ने बैरिस्टर का प्रशिक्षण लेने के लिए 1888 में लंदन के इनर टेम्पल में प्रवेश लिया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ 1913 में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनन मजदूरों की रैली का नेतृत्व करने के लिए 1913 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। राष्ट्रीय रक्षा परिषद की 1962 में स्थापना हुई। ज्योति बसु ने 2000 में लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2008 में प्रधान ब्याज दर और जमादारों के कटौती की घोषणा की। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव को 2013 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। लोकसभा सदस्य यशवंत सिन्हा का जन्म 1937 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का निधन 1985 में हुआ। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ शंकर राय का निधन 2010 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे वाहनों पर लोगो लगाने के मंजूरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वाहनों पर लोगो लगाने की मंजूरी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए डॉक्टरों और वकीलों की तरह अपने वाहनों पर लोगो लगाने की मंजूरी दे दी है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी कोई निर्देश नहीं दी गई है। रील्स बनाने वालों के लिए इंस्टाग्राम लाया नया फीचर। इंस्टाग्राम रील्स क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर ला रहा है। इसकी जानकारी कंपनी के सीईओ के द्वारा अपने इंस्टाग्राम चैनल के जरिए दी गई है। दरअसल जल्द ही क्रिएटर्स इंस्टाग्राम में रील पोस्ट करते वक्त उसमें लिरिक्स ऐड कर पाएंगे। वर्तमान में ऐसा कोई भी ऑप्शन रील्स के लिए मौजूद नहीं है। ऐसे में कई बार कुछ टफ गाने लोगों को याद नहीं होते और वे सही से उसकी लिरिक्स नहीं समझ पाते। इस समस्या को खत्म करने के लिए कंपनी लिरिक्स को रील्स में जोड़ने का ऑप्शन जल्द देने वाली है। क्रिएटर्स रील्स को एडिट करते वक्त उसमें लिरिक्स जोड़ पाएंगे। इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने कहा कि नया फीचर जल्द
एंड्रॉयड और iOS पर यूजर्स को मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में कंपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए कुछ और नए फीचर और अपडेट्स लाने वाली है। रील में लिरिक्स को ऐड करने से एक फायदा यह भी होगा कि आप म्यूट करके भी रील को देख पाएंगे। इस तरह आप रील के कॉन्टेंट को बिना आसपास के लोगों को डिस्टर्ब किए हुए समझ पाएंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्पेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप 2023 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला सवाल, गूगल ट्रांसलेशन में बिहार के किस भाषा को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी भोजपुरी और मैथिली दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजपुरी और मैथिली दोनों। अगला सवाल, बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मोकामा, ऑप्शन डी बेगूसराय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेगूसराय। अगला सवाल, बिहार की पटना कला के अंतर्गत बनाए चित्रों में किस चीज का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए बिहार का सामान्य जीवन, ऑप्शन बी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, ऑप्शन सी मुगल कालीन युद्ध का, ऑप्शन डी यूरोपीय पुनर्जागरण का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार का सामान्य जीवन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक मिश्रा, सदुल्ला पलवी, नुनू गोलू कुमार, मुन्ना कुमार, ध्रुव कुमार, कपिल देव शाह, प्रहलाद कुमार, वेद प्रकाश सिंह, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, अतीक खान, सिद्धार्थ कुमार, अनवर करीम खान, बबलू कुमार, विकास दास, शिवम कुमार पटेल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विश्व कप 2023 में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए क्या टीम ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।